दोस्तों, 10 महामुद्रा का यह दूसरा भाग है। हमने आपको पहले भाग में मुद्राओं के करने का समय, स्थान और लाभ के बारे में बताया है। पहले भाग में हमने आपको महामुद्रा और महाबंध के बारे में बताया है। तो दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख ले, ताकि आगे की सभी मुद्राओं को आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए दोस्तों, आगे की मुद्राओं को हम जानते हैं। महावेद। महावेद को करने के लिए आपको अपने दाहिने पैर के एड़ी को अपने योनि स्थान पर लगाना होगा। योनि स्थान के बारे में हमने पहले वीडियो में बताया है। दाहिने पैर की एड़ी को अपने योनि स्थान में लगाने के बाद बाएं पैर को दाहिने पैर के जंघे पर रखना है। तत्पश्चात श्वास को धीरे धीरे पेट के अंदर भर लेना है। इसके बाद कंठ को सिकोड़कर जालंधर बंद लगा लें। अगर आप कंठ को सिकोड़ नहीं पा रहे हैं तो आप अपने गर्दन को नीचे की तरफ झुका लें, जिससे कि आपका श्वास न ही बाहर जा पाए और न ही अंदर आ पाए। अब अपने दोनों हाथों को जमीन पर अच्छे तरीके से टिका लें। इसके बाद हाथों के ऊपर अपने पूरे शरीर को हवा में उठा लें, जिससे कि आपका शरीर पृथ्वी को छोड़कर हवा में हाथों के सहारे टिक जाए। इसके बाद हाथों को ढीला कर दें, जिससे कि आपका शरीर जो हवा में था वह पृथ्वी पर आ गिरे। इसी प्रक्रिया को आपको बार बार करना है, मतलब कि अपने शरीर को हवा में ऊपर की तरफ उठाना है और नीचे पृथ्वी पर वापस टिका देना है। या यूं कहें कि इस प्रक्रिया को करके आप अपने योनि स्थान को ताड़न करते हैं, अर्थात कि अपने योनि स्थान पर फोर्स करते हैं। इस प्रक्रिया को दोनों पैर से बराबर मात्रा में करना चाहिए। इस प्रक्रिया को करने से आपकी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति तीव्रता से जागृत हो जाती है। यह प्रक्रिया जितना आसान है उतना ही कठिन भी है। इस प्रक्रिया को बिना गुरु के सानिध्य में करना उचित नहीं माना जाता, परंतु बहुत से योगी भौतिक जगत में उपस्थित गुरु को छोड़कर आध्यात्मिक जगत के गुरुओं को अपना गुरु मानकर इस प्रक्रिया को सिद्ध किया है। अर्थात कि किसी अपने इष्ट देव या भगवान को गुरु मानकर इस प्रक्रिया को सिद्ध किया गया है। परंतु हमारा सलाह आपको यही रहेगा कि आप किसी भौतिक जगत में उपस्थित गुरु की सलाह जरूर लें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपने श्वास को पेट में भर कर ही महावेद करना है, और जब श्वास को रोकने की अवधि खत्म हो जाए तो आपको रुक कर दोबारा श्वास भर कर इस प्रक्रिया को आरंभ कर देना है। दोस्तों, अगर महामुद्रा, महाबंध और महावेद को नियमित रूप से प्रतिदिन किया जाए तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है और आपकी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जल्द ही जागृत हो जाएगी। उड़ियान बंध। उड़ियान बंध से प्राण ऊर्जा उड़कर सुषुम्ना में आ जाता है, इसलिए ग्रंथकार इसे उड़ियान बंध कहते हैं। उड़ियान बंध दो प्रकार का होता है, वाम्य बंध और आंतरिक बंध। वाम्य बंध में श्वास को पूरी तरह बाहर निकालकर पेट को लॉक कर दिया जाता है, अर्थात पेट को अंदर की तरफ खींचकर चिपका लिया जाता है और इसको अपने इच्छा अनुसार रोक कर रखे। आंतरिक बंध। आंतरिक बंध में श्वास को अंदर पेट में भरकर पेट को लॉक कर दिया जाता है। हालांकि आंतरिक बंध थोड़ा कठिन होता है, परंतु अभ्यास करने से यह सरल हो जाता है। पेट में श्वास को भरकर पेट को अंदर की तरफ खींचे, इसी खींचने की प्रक्रिया को ही पेट को लॉक करने की प्रक्रिया कही जाती है। पेट को लॉक करके, अर्थात पेट को अंदर की तरफ खींचकर अपने इच्छा अनुसार या अपने सामर्थ्य अनुसार उस श्वास को पेट में रोक कर रखे। इसी प्रक्रिया को उड़ियान बंध प्रक्रिया कहा जाता है, परंतु उड़ियान बंध में सबसे इफेक्टिव बंध आंतरिक बंध कहलाता है।
अर्थात कि श्वास को बाहर की तरफ निकालकर पेट को लॉक करके उड़ियान बंद लगाएं। यह सबसे असरदार तरीका है उड़ियान बंद का और यह बहुत ही सरल भी है। इसलिए उड़ियान बंद करने के लिए आप आंतरिक बंद का ही प्रयोग करें। इसे करने से आपके अंदर इतनी स्फूर्ति आ जाएगी कि आपको अपने अंदर हर समय जोश का अनुभव होगा। इसे नियमित 6 माह तक करने से आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी और आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। यह बंध सभी बंधों में उत्तम बंध माना जाता है। इसमें रोग दुख आदि नष्ट हो जाता है। मूल बंध लगाने के लिए आपको सर्वप्रथम अपनी एड़ी से योनि स्थान को दबाकर गुर्दा द्वार को सिकोड़ना होता है, अर्थात कि जब अश्व अपना मल त्याग करता है उस समय अपने गुर्दा द्वार को जिस प्रकार से सिकोड़ता है उसी प्रकार से आपको अपने गुर्दा द्वार को सिकोड़ना है और अपान वायु को ऊपर की तरफ आकर्षित करना है। इसे ही मूल बंध कहते हैं। यह प्रक्रिया कुंडलिनी जागृत में अत्यंत ही सहायक होती है। दोस्तों, मूल बंध को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आपको अपने दाहिने पैर के एड़ी को योनि स्थान पर लगाकर रखना है। योनि स्थान के बारे में हमने आपको शुरू में ही बता दिया है और इसे हम पहले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो दाहिने पैर की एड़ी को योनि स्थान पर रखने के बाद बाएं पैर को अपने दाहिने पैर के जंघे पर रखना है। इसके बाद आपको गुर्दा द्वार को सिकोड़ना है। गुर्दा द्वार को सिकोड़कर तब तक रखना है जब तक आप इसे सिकोड़कर रख सकते हैं। प्रारंभ में इसे देर तक करना मुश्किल होता है, परंतु अभ्यास करने से इसे आप निरंतर लगातार रोक कर रख सकते हैं, अर्थात कि इसे लंबे समय तक आप सिकोड़ कर रख सकते हैं। गुर्दा द्वार को सिकोड़ने के साथ साथ आपको अपने अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचना है। अपान वायु के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको ऐसे बता सकते हैं कि आप ऐसे अनुभव करें कि आपके मूल बंध में या गुर्दा द्वार में कुछ वायु है जिसे कि आपको ऊपर की तरफ खींचना है। अगर आप इसे 2 या 1 मिनट तक खींचेंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि आपका अपान वायु अर्थात कोई वायु ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर आपका अपान वायु ऊपर की तरफ आ रही है और आपका गुर्दा द्वार सिकुड़ा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपका मूल बंध सही तरीके से लग रहा है। इस प्रक्रिया को दोनों पैरों से करना है, अर्थात कि पहले दाहिने पैर की एड़ी को योनि स्थान पर टिकाना है, इसके बाद बाएं पैर की एड़ी को योनि स्थान पर टिकाना है। मूल बंध को करने से परम सिद्धि प्राप्त होती है। इसको लगातार करने से युवावस्था बनी रहती है, अर्थात कि बलि पलित झुर्रियां आदि समाप्त हो जाता है और शरीर में अत्यधिक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। मूल बंध करने से नीचे की गति वाला अपान वायु ऊपर चढ़ता हुआ अग्निमंडल में पहुंच जाता है, अर्थात नाभि से नीचे के भाग में विद्यमान त्रिकोणी जठराग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, जिससे कि आपकी जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है। जालंधर बंद करने के लिए आपको किसी एक पोजीशन में बैठ जाना है। किसी भी एक आसन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन, ब्रजासन, सुखासन या पद्मासन। आप किसी भी एक ठहराव स्थिति में बैठ सकते हैं। जालंधर बंद के भी 2 बंद हैं, आंतरिक बंद और वाम्य बंद। आंतरिक बंद में अपनी श्वास को अंदर की तरफ पेट में भर लेना है। इसके बाद अपने ठुड्डी को हृदय से लगाकर कंठ को सिकोड़ लेना है। इसके बाद श्वास को इच्छा अनुसार रोक कर रखना है। श्वास की अवधि जब पूरी हो जाए तो अपने श्वास को धीरे धीरे बाहर की तरफ छोड़ना है। यह प्रक्रिया आंतरिक जालंधर बंध कहलाता है। वाम जालंधर बंध में आपको श्वास को बाहर की तरफ निकाल देना है। इसके बाद
अपने कंठ को सिकुड़ते हुए ठुड्डी को हृदय से लगाना है। इसी प्रक्रिया को जालंधर बंद कहते हैं। यह बंद कंठ के सभी प्रकार के रोगों का नाश कर देता है। अगर आपको कंठ से अर्थात गर्दन से संबंधित कोई भी रोग या दुख है तो इस बंद को अवश्य करें, जिससे कि आपको जल्द से जल्द इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। इस कंठ का संकुचन करने से इंगला तथा पिंगला दोनों नाड़ियों का स्तंभन स्वतः हो जाता है। इस प्रकार से उड़ियान बंद, मूल बंद और जालंधर बंद तीनों बंद अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते हैं। बड़े बड़े योगेश्वर परम सिद्धि इसे करके ही सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति किए हैं। इसलिए आपको भी यह तीनों बंद निरंतर करनी चाहिए। कुंडली जागृत के लिए यह तीनों बंद किया जाता है। जालंधर बंद द्वारा वायु को रोकने के लिए कंठ को संकुचित किया जाता है। मूल बंद गुर्दा द्वार को संकुचित करके अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचा जाता है और उड़ियान बंद करके वायु को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराया जाता है। इसलिए यह तीनों बंद श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगर आप इसे 3 महीने तक नियमित करें, मतलब कि तीनों बंद को नियमित रूप से 3 महीने तक सुबह और शाम करते हैं, तो अवश्य रूप से निश्चित रूप से आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी। विपरीत करनी को करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों को हवा में ऊपर की तरफ उठा लेना है और आपको मूल बंद लगाकर रखना है। इसे ही विपरीत करनी कहा जाता है। वैसे तो विपरीत करनी के लिए अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीजों को बताई गई है। इसे विद्वानों में लेकर थोड़ा मतभेद भी है। इसी प्रकार से शक्ति चालन को भी विद्वानों में लेकर मतभेद जाहिर किया गया है। तो दोस्तों, हमने आपको 10 महामुद्राओं में से 7 महामुद्राओं के बारे में बता दिया है। बाकी के बचे 3 महामुद्रा खिचड़ी, ब्रजरौली और शक्ति चालन के बारे में हम आपको यही कहेंगे कि इसे बिना गुरु के सानिध्य में करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह आप बिना गुरु के सानिध्य में करेंगे तो आपके शरीर पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। बाकी सभी मुद्राओं को करने के बाद आप उसके साइड इफेक्ट से बच भी सकते हैं, परंतु इसके साइड इफेक्ट से आपके शरीर पर बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हम आपको इन तीनों मुद्राओं के बारे में नहीं बता रहे हैं। आप किसी अच्छे और जानकार गुरु से मिलने के बाद ही इस मुद्राओं को करने का विचार लाएं। और वैसे भी मनुष्य के लिए कोई भी 10 महामुद्राओं में से कोई भी एक महामुद्रा सिद्ध कर लिया जाए तो उसके पूरे जीवन के लिए एक खजाने से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, हमारा मानना यह है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अच्छे तरीके से सरल माध्यम से अपनी शक्तियों को जागृत करें। इसलिए हम आपको यह तीनों मुद्राओं के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताए गए 7 मुद्राएं कैसी लगी, इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। आप अपना सुझाव देना न भूले। आपका अनुभव दूसरों के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है, इसलिए आप अपना अनुभव जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें आप जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।